तो टैक्सी देखते हैं यहीं कहीं मिल जाएगी। जो चल रहा है चलाते रहो, करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो भाई साहब, बेसिकली अभी मैं हूँ मंडी बामोरा स्टेशन पर। तो मंडी बामोरा कहाँ पर पड़ता है मैं आपको बता दूँ, तो ये MP में पड़ता है और विदिशा जिले के एक छोटे से कस्बा है, मतलब कस्बा ही है। और ये है हमारी तहसील कौन सी, कुरबाई, तो इसी के पास में 8 किलोमीटर है। और भाई साहब, यहाँ पे एक कोइंसिडेंस इतना खतरनाक हुआ है कि क्या ही बताऊँ। ये है मेरे परम मित्र और इनसे मुलाकात हो रही है करीब 2 साल बाद, मतलब जब मेरे साथ में पढ़ते थे तब। तो बेसिकली अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे हैं भाई। ये है आपको, अब मतलब आपने पहले भी देखा होगा प्रीवियस ब्लॉग में, ये है मंडी बामोरा स्टेशन। 4 स्टेशन मतलब 4 प्लेटफॉर्म वाला है, ये है फर्स्ट, ये है वाला सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसी पर आएगी ट्रेन। मुझे जाना है भोपाल क्योंकि कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गए तो उसका काम मतलब वर्क है कुछ। 6 बजे क्योंकि कौन सी ट्रेन है, मेमू ट्रेन, आप वाकिफ होंगे मेमू ट्रेन से, ये एक ही बार चलती है। काम करवा रहा हूँ, इनको शायद बुरा लग रहा होगा, लग रहा है हाँ बहुत ज़्यादा। तो अभी हम नीचे आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन आने में कुछ ही समय शेष है, तो आगे देखते हैं। तो भाई साहब, बेसिकली आज तो भीड़ मुझे लग रहा है कि ट्रेन में नहीं होने वाली, बिकॉज मैं अगली बार गया था तो सीट ही नहीं मिली थी मुझे। हर बार की तरह इस बार भी मुझे ट्रेन में सीट नहीं मिली, जो कि मेरे लिए एक दुख की बात है। तो इसमें भीड़ है, क्राउड बहुत है, और यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पे लगा है एक कैमरा, जो नॉर्मल ट्रेन रहती है ना उसमें देखने को नहीं मिलता, तो ये अच्छी बात है, ट्रेन की बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब, मतलब 3 घंटे ऐसे बैठ रहना पड़ेगा, है ना। तो अभी ट्रेन पहुँच लिया सलामत, अभी 1 घंटा और लगेगा भोपाल पहुँचने। गंज पे पहुंच गई है ट्रेन, यहाँ पे लाइट भी नहीं लगी है स्टेशन पे, यहाँ पे एक लाइट लगी है बस। यहाँ पे हम फाइनली पहुंच गए, कहाँ पे, नहीं भोपाल जंक्शन पे। तो बेसिकली भीड़ तो काफ़ी है, अभी मुझे जाना है स्टेशन के बाहर। भाई साहब, यहाँ पे भीड़ मतलब परेशान कर रही है लोगों को। अभी इन भाई साहब को जाना है इंदौर सुबह, तो यहाँ पे क्या टिकट बुक करना है ना, देखते हैं कहाँ पे होता है टिकट बुक। वहाँ पे तो केवल अनारक्षित मतलब जो जनरल बोगी रहती है उसके ही हो रहे हैं। भीड़ तो ऐसा कुछ सीन है, यहाँ खाली पड़ा है, यहाँ भी खाली पड़ा है और यहाँ पे है भीड़। मतलब भाई साहब, यहाँ पे हम आ गए स्टेशन से बाहर और फाइनली हम ऊपर से निकल चुके हैं। हाँ, अब हम स्टेशन से बाहर आ गए हैं, अब हमें कहाँ पे जाना है। टिकट बुक करवा रहे हैं भोपाल जंक्शन का 6वां प्लेटफॉर्म, मतलब 6 नंबर है जो, वो 6वां प्लेटफॉर्म यही है, यहीं से एंट्री मिलती है। कहाँ पे जाना है, ऑटो स्टैंड पे जाना है क्योंकि मुझे तो टैक्सी देखते हैं यहीं कहीं मिल जाएगी। फाइनली ऑटो, फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो अब हम करते हैं ब्लॉग को एंड, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।